हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप सबको जो वर्क मिल रहा है वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं ना घर पे अच्छे से? ओके, आप लोग को प्रॉपर्ली राइटिंग करना है और रिमेम्बर करना है, याद भी करना है और लिखना भी है। जो भी आपको वर्क दिया जाता है अच्छे से अपने होमवर्क की कॉपी में राइटिंग कीजिए। अगर जहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करने का रहता है वहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए, कलर फिल कीजिए, है ना, जिससे आपके कॉपी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे, है ना, और आपकी कॉपी जो है चेक करने में भी अच्छा लगेगा। तो आप सबको जो भी वर्क मिलता है उसको प्रॉपरली आप लोग करिए और हमारे जो वर्क रहता है उसको अपने ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। टुडे आई विल टीच यू हिंदी एंड द टॉपिक इज ढ से ढक्कन और अनाक्षर लिखना, ठीक है। ढ से ढक्कन और अनाक्षर लिखना। चलिए यहाँ पे हम अपना प्रीवियस जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क से डर, ड से डमरू तक, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, या ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू। अब हम आपको ढ से ढक्कन का अक्षर लिखना सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ हियर पिक्चर। हम यहाँ पे ढ से ढक्कन का से ढक्कन कैसे लिखेंगे? ढ से ढक्कन का अक्षर देखेंगे, ये आपका ढ से ढक्कन लिखना है। इसको कैसे बनाना है देखेंगे। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड सर्कल एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, एंड सर्कल एंड स्लिपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड सर्कल एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन,
ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड। स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। योर चिल्ड्रन रीड एंड राइट जस्ट लाइक मी। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड। स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड। स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल राउंड। स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल एंड राउंड एंड स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड राउंड। स्लीपिंग लाइन, ढ से ढक्कन। ये हमारा ढ से ढक्कन है। अब हम आपको अणा अक्षर लिखना, अणा अक्षर लिखना सिखाएंगे। अणा, अणा बोलते हैं उसको, न से उसको एक्सप्लेन किया जाता है ना, अणा अक्षर। देखेंगे कैसे लिखा जाता है, इसमें कोई पिक्चर नहीं बनेगा। ये आपका और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अणा। ये आपका एक राउंड अप शेप में सर्कल होता है ना, एक क्या करेंगे, यू बनाते हैं ना, यू बनाते हैं आप लोग, ऐसे यू बनाना है और एक स्टैंडिंग लाइन करना है और एक स्लीपिंग लाइन बनाना है। ये बन गया हमारा अणा अक्षर। ऐसे ही आपको अणा अक्षर लिखना है, अणा। अणा अक्षर कौन सा अक्षर है हमारा, अणा। अणा अणा अक्षर क्या करेंगे, इसमें यू बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन देंगे और एक स्लीपिंग लाइन। अणा अक्षर, यू एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, अणा अक्षर। यू बनाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन देंगे और एक स्लीपिंग लाइन देंगे, ये बनेगा अणा अक्षर। एक यू बना देंगे आप और एक स्टैंडिंग लाइन देंगे और स्लीपिंग लाइन, ये बन गया हमारा अणा अक्षर। यू, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, अणा अक्षर। यू, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, अणा अक्षर। यू, स्टैंडिंग लाइन
एंड स्लीपिंग नाइन ण अक्षर यू स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ण अक्षर यू स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ण अक्षर यू स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ण अक्षर अणा अक्षर आपको बार बार रिपीट करना है ताकि आपको ये अक्षर प्रॉपरली राइट करना आ जाए। ठीक है, हम इसलिए बार बार राइट करा रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉपरली इस अक्षर को राइट करना आ जाए, इसीलिए है ना। बार बार राइटिंग करेंगे तो आप लोग को इस अक्षर को बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा और आप लोग ईजिली इस अक्षर को राइट कर लेंगे। यू एंड स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ण अक्षर यू स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ण अक्षर यू एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ण अक्षर यू एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ण अक्षर यू एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ण अक्षर। आज हमने आपको ढ से ढककर और ण अक्षर लिखना सिखाया। आप सब क से लेकर ड से डमरू तक क्या करेंगे, प्रीवियस वर्क को कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर आप ढ से ढक्कन और ण अक्षर रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, अगेन एंड अगेन, और रीडिंग और राइटिंग करना है आपको, बोल बोल के ही लिखना है, से एंड राइट। ओके, बोल के लिखेंगे तो ये अक्षर आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और कैसा लिखा जाता है ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपरली राइटिंग करेंगे और नेट एंड क्लीन राइटिंग करेंगे। ठीक है, डर्टी राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है आप लोग को, नेट एंड क्लीन राइट करनी है। ओके, लुक एट हियर, क से ड एंड ढ से ण। ठीक है, बार बार रिपीट करके लिखना है। ओके चिल्ड्रंस, नाउ डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी प्रॉपरली।